पॉजिटिव रहेंगे तो इम्पैक्ट रहेगा विच इज मोर देन 3-4-5%, और नेगेटिव अदरवाइज ये वापस 1-2% की रेंज में आ जाएंगे। जो भी बड़ा मूव आना था वो टीसीएस ने कर दिया इस सेक्टर के लिए फॉर फॉर द क्वार्टर। बट जसवीर सर, अगर इनका जो बिजनेस देखें ग्रोथ, तो एक्स इंडिया 1.25% की तो ग्रोथ है, तो क्या ये मानना चाहिए कि इंडिया सेंट्रिक ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में थी और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स शायद अमेरिका से दूसरी जगहों से ग्रोथ आएगी? अभी तो वैसा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इन्होंने दिखाई नहीं बिजनेस में। से कह रहे हैं जी जसप्रीत जी, मतलब ब्रॉडली, मतलब मैंने वो रीजन वाइज उसको डाइसेक्ट नहीं किया, बट जो ब्रॉडली यू नो ओवरऑल बेसिस पे जो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, कांस्टेंट करेंसी जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एज पर एनालिस्ट एस्टिमेट इट वाज अ बीट। अब अगर उस पे बीट आ रहा है तो दिट्स अ बिग थिंग फॉर अ लार्ज कैप, द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन इंडिया। एंड काफी क्वार्टर्स के बाद अगर मीनिंगफुल बीट आ रहा है, कि अगर लोगों का अनुमान था 1% और बिलो एंड वो 2.2% दे रहा है, तो दैट वाज अ और उसके बाद मार्जिन जो है इन लाइन है यू नो ब्रॉडली। एंड बहुत बड़ी बात है कमेंट्री उन्होंने जो ओवरऑल टोन था वो पॉजिटिव था थ्रू आउट द कॉल, दिस इज अगेन एज पर माय यू नो डाउनलोड जो हमने लिया अपने एनालिस्ट से। तो कुल मिला के मतलब एज अ पैकेज अगर आप देखें तो यू नो मार्जिन इंटैक्ट, आउटलुक पॉजिटिव, बीट ऑन 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 रेवेन्यू, एंड ऑब्वियसली यू नो सेक्टर हैड टू मेक अ कमबैक, एंड मे बी टुडे वाज द डे व्हेन जो मार्केट ने कहा कि दिस इज द टाइम टू फॉर द सेक्टर टू मेक अ कमबैक, एंड टीसीएस का एक वो रीजन बन गया है। एक वो आना तो था ही, इट वाज देयर। आप पिछले कुछ 3-4 हफ्ते का मोमेंटम देखें तो आईटी एक वो बेस बना रहा था, यू नो बेसिस व्हिच इट हैड टू मेक अ बिग मूव, वो बस यू नो इट वाज द टाइम कि शायद आज वो दिन था, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड एनी एनी डे इन दिस मंथ। ओके अनुराग जी, मार्केट ने अच्छा फील किया रिजल्ट्स को देख करके आईटी में, और बढ़िया रैली, सेक्टोरल रैली बन गई। आपने देखे नतीजे हमारे? हाँ, नतीजे देखे। सो नीरज जी, देखो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इनके पास 6 लाख लोग हैं ग्लोबली, राइट? 6 लाख वर्कफोर्स है इनकी, 600,000+। इनका एट्रिशन होता है 12%। इनका नेट हेडकाउंट एडिशन टीसीएस का इस बार 5,000 कुछ एम्प्लॉयज था, 5,400 एम्प्लॉयज, तो एट्रिशन को मेकअप करते हैं, प्लस नेट एडिशन ये है। कुल मिला के दिस इज लेस देन 1%। और ये पिछले एक साल से करीब 3-4% का ड्रॉप हो चुका है इनके हेडकाउंट में, तब जाकर के अब 1% का हेडकाउंट ऐड हुआ है नेट बेसिस पे। नाउ ये कंपनीज हेडकाउंट ड्रिवन कंपनीज हैं, इनका क्या रिजल्ट आएगा वो आपकी आपको लीडिंग इंडिकेटर्स उनकी हायरिंग और हेडकाउंट एडिशन में मिल जाता है। वो इंडिकेटर्स हमें Naukri.com से और तमाम जगह से आ रहे हैं कि आईटी हेडकाउंट बहुत ग्रेट नहीं है, इनफैक्ट प्रिटी मच रिप्लेसमेंट हायरिंग हो रही है। गाइडेंस इन कंपनीज को बहुत ज्यादा आए थे, आई डोंट नो, बिकॉज वो एक साल पहले हमने वो ट्रेंड देखा था कि कंपनीज लीडिंगली आकर के गाइडेंस नहीं करती हैं, वो जब ट्रेंड एक्चुअली प्ले आउट होने लगता है तब वो जा करके रिजल्ट के साथ में बताती है कि देखिए सिचुएशन टफ है। तो दैट रियली टेक्स अवे अ बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द गाइडेंस, एटलीस्ट ऑन दीज कंपनीज, बिकॉज इन्होंने प्रोएक्टिवली उस समय गाइड नहीं किया जब इनको भी दिख रहा था कि खतरा हो रहा है। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दूंगा, क्योंकि इस समय जो चेंजेस आ रहे हैं यूएस मार्केट्स में ड्रिवन बाय एआई एंड प्रोडक्टिविटी, उसमें इम्पैक्ट इन इन पर हो रहा है। दे आर नॉट लीडिंग दैट चेंज, दे आर एक्चुअली द विक्टिम ऑफ द चेंज। सो टू सर्टन एक्सटेंट दे ऑल्सो आर लिटिल बिट लॉस्ट ऑन दैट डायरेक्शन। बट बहरहाल, अगर आपको हेडकाउंट में एडिशन नहीं दिखे और 5,000, आई मीन लेस देन 1% इज नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट, तो इन कंपनीज में ग्रोथ भी नहीं होगी। बाकी ये 4% की कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रोथ और ये वो, ये सब एक्रूवल का खेल होता है नीरज जी। इन कंपनीज का कब क्या डील साइन होती है और कौन सा रेवेन्यू कब एक्रू होता है, ये वो वाला खेल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के इन कंपनीज के लिए दे'ल हैव टू अगेन वेट। इस समय यूएस में ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि हेड काउंट हायरिंग और पुराने वाला ट्रेंड वापस शुरू हो रहा है। एआई पे जितना इन्वेस्टमेंट यूएस में जितना स्ट्रांगली हो रहा है, आप देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट हैज टू कम आउट फ्रॉम समवेयर, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आएगा कि दे विल आस्क ऑल द वेंडर्स टू कट ऑन हेड काउंट, और वहीं से वो पैसा मैनेज होगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी तो सबको रखनी है। इट कांट बी कि कंपनीज इनको भी कॉन्ट्रैक्ट देते रहे और एआई पे भी इन्वेस्ट करते रहे। तो कुल मिला के आउटलुक नेगेटिव है। इन्वेस्टर्स को एक चीज कहूंगा, देखिए 40 के पी पर आप खरीद रहे हैं, खरीदिए, लेकिन यहां से
कोई भी छोटी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड यहाँ से इन कंपनीज में 15% की ग्रोथ तो आने से रही। तो कोई भी पैरामीटर लगाइए कुल मिलाकर कि ये स्टॉक काफी महंगे दिखते हैं अगले 5 साल के लिहाज से भी। अनुराग, इट्स आप आई अनुराग वोंट इवन अमेरिका में बीएफएसआई का कामकाज कैसा चल रहा है? नहीं अच्छा बैंक्स पे अभी तक वो प्रेशर, जब तक वो बैजल की जो चेयर पावल अब रिलीज करेंगे नई गाइडलाइंस, क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट थी, तो दे आर नॉट कमिंग इन टू प्ले। बट अमेरिका का बैजल नहीं होता, उनका अपना सिस्टम होता है। बट इफ ही रिलीजेज एंड रिलीव सम बिट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बैंक्स तो थोड़ा रिलीफ आएगा। अदरवाइज देखिए रीजनल्स एकदम टाइट हैं और जो बिग बैंक्स हैं वो भी कॉस्ट क्रंच में। आज नतीजे आए हैं, मार्जिन्स वेल्स फागो के भी अंडर प्रेशर हैं, जेपी मॉर्गन भी कोई बहुत, आई मीन दे आर गार्नरिंग द मार्केट शेयर, बट इनकी जो समस्याएं हैं इन द रेट हाइक्स एंड यू नो अभी जो बॉन्ड्स इनके मार्क टू मार्केट में नेगेटिव हो जाते हैं, यू नो वही समस्या इतनी ज्यादा है कि उनके पास गुंजाइश नहीं है खर्च करने की। सो एवरीवेयर दे आर जस्ट कटिंग ऑल द कॉस्ट फ्रंट, सब एकदम टाइटली मार्क्ड है। और टेक्नोलॉजी चेंज इस किस्म का उनको नहीं करना है कि यू नो दे आर प्लानिंग टू गिव लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीज आईटी कंपनीज इवन। सो ये टेक्नोलॉजी का हो, बैंक्स का हो गया, इवन दी टेक दी टेलीकॉम राइट, द टेलीकॉम प्लेयर्स आर ऑल्सो वेरी टाइटली क्रंच्ड हियर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। थर्ड इज दी एफएमसीजी एंड द यू नो द स्टेपल्स जिसको हम बोलते हैं और कंज्यूमर गुड्स राइट, उनका भी जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट है। एड टू दैट द फार्मा कंपनीज विच आर ऑल्सो फेसिंग द मेडिकेयर पुशबैक फ्रॉम द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली, बिकॉज यहाँ पर जो डेफिसिट बढ़ रहा है उनको खर्चे वहां भी कम करना है। कुल मिलाकर के ये सारा जो है 80% मार्केट इनका यही है नीरज जी, ओके, एंड द व्यू इज के द स्पेंडिंग विल नॉट इंक्रीज दैट हाई राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कि दैट्स द ब्रॉड सिचुएशन, तो इसको अवॉइड करना बेहतर है इंडियन सिनेरियो में आई वुड ओके। से। एक दूसरा सेक्टर है रेलवे वाला। सुदीप सर, रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनके ज़रिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं समझने की, फिर जब डीप में पढ़ो तो फिर बजट के प्रिंट पढ़ो तो उसमें कितना बड़ा कैपेक्स सरकार ने किया है, फिर उसके अंदर जाओ तो पता लगता है रेलवे में भी बहुत खर्चा कर रही सरकार। अगले 5 साल के लिए कम से कम 80-90 हज़ार करोड़ का प्लान तो इसी बार रखा गया था, तो हर तरह से है उसमें, ट्रेन्स का है, टेक्नोलॉजी का है, वैगन्स का है, कोचेस का, सब तरह खर्चे किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हो रही है ये अगले 3-4 साल की ग्रोथ को कैप्चर करके आज से ही हो रही है, या ये रैली बहुत ज़्यादा होप पे बिल्ट हो रही है और ये बजट थके उसके बाद ही फिजल आउट हो सकती है? देखिए जो आपने कहा बिल्कुल सही, रेलवे सेक्टर में एक साथ इतना काम शायद सिंस इंडिपेंडेंस कभी नहीं हुआ। हर रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है। आपने कुछ क्षेत्र के नाम किए, इसके अलावा सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज में, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रेलवे स्टेशन, सब जगह पे काम। पर रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी शेयर्स भाग गए हैं और वैल्यूएशन थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है। हाँ, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम होगा, कंपनीज भी ठीक ठाक कर रहे हैं, पर अभी भी ये वैल्यूएशन के लायक शायद शेयर्स नहीं बने हैं। वी आर लिटिल गेटिंग कैरिड अवे विद ऑल द अनाउंसमेंट्स नाउ। तो यहाँ पे मैं निवेशक को सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ, सतर्क ही रहना चाहिए। कुछ स्टॉक तो सर 30x हो चुके हैं 5 साल में, 30 गुना, 3000% स्टॉक चल चुके हैं, अनबिलीवेबल है। मैं यार मैनेजमेंट से बात भी कर रहा था, डेफिनेटली काम बहुत कर रहे हैं वो लोग, बहुत ऑर्डर बुक है उनके, लेकिन फिर भी 30-30 गुना 5 साल में हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। जसप्रीत सर, आप लोग देखते हैं या आप अपने अपनी स्क्रीन से उनको हटा दिया है कि अब मैं तो को देखना ही नहीं इधर? नहीं सर, वी आर इन्वेस्टेड इन रेलवे स्टॉक्स, बट लिमिटेड है एंड इंक्रीमेंटल मनी एट दिस प्राइस, एज यू सेड, वी नॉट पुटिंग अप। अगेन रीसेंट लोज से भी अगर आप देख लेंगे ना, जो लास्ट 2-3-4 महीने के लोज जो बनाए हैं, व्हाट एवर बी द रीजन इंक्लूडिंग 4 जून, वहां से भी स्टॉक्स कुछ नहीं तो 50 या 80% ऊपर है। एज रीसेंट एज 4 जून के आप प्राइस देंगे तो 50-70-80% ऊपर है सम ऑफ द स्टॉक्स राइट, इन सिलेक्टेड, मतलब काफी सेक्टर्स में भी इंक्लूडिंग रेलवे। तो इफ 1 ईयर व्यू है तो आई थिंक आई एग्री विद सुन जी, देर इज मोर रीजन टू गेट डिसअपॉइंटेड, मतलब चांसेस आर कि डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होगी। बट अगर 3 से 5 साल का व्यू ले सकता है कोई एंड यू नो वन इज होपफुल कि ये जो मोमेंटम है
जो बना रहेगा, देन देर इज नो रीजन टू बट तो पैसा डाल सकते, बट वेरी लिमिटेड. सो यू नो, ट्रैक लेइंग, द ईपीसी वर्क, रेल, द स्टेशंस मॉडर्नाइजेशन, कोचेस, आपने आपने बताया, एंड सिग्नलिंग, द इंटर कोचेस, दैट दैट दी यू नो प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट्स, ऑल दैट. देर इज वेरी टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड बिलीव मी, ये तो अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी है. ओवरसीज जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे ओपन हो रही है, राइट, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक डिफेंस, हम अपनी रेलवे के प्रोडक्ट्स भी विल बी प्रॉब्ली आउटसोर्सिंग हब फॉर सम ऑफ द एशियन कंट्रीज और इवन अदरवाइज. वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अलग है, व्हेन यू टॉक टू दीज कंपनीज, वो इमिजिएटली नहीं है, वो 3 से 5 साल में उसका पूरा यू नो एक बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा. तो यू नो गिवन दैट लॉन्गेस्ट थिंग, तो आई थिंक 3 से 5 साल का व्यू रहेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट कम रहेगा. विद इन अ ईयर देर मे बी मोर रीजन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज अर्निंग्स मे नॉट पिक अप एज मच इन द नेक्स्ट वन. हाँ, एक एक समस्या और आ रही है, जैसे रेलवे टाइप का डिफेंस भी है, उसमें भी धुआंधार तेजी है, मतलब अंधा पैसा आ रहा है उसमें। बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप डिलीवर कैसे करोगे, आपने ऑर्डर तो ले रहे हो, आप लाखों करोड़ के ऑर्डर अपने बुक में रख लिया, आप अब डिलीवर कैसे करोगे आप दोस्त, आप डिलीवर नहीं करोगे तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि अच्छा आपके पास ऑर्डर तो है लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हो। ये चैलेंज भी हो सकता है रेलवे कंपनीज के पास भी, हर चीज़ में काम हो रहा है, ट्रैक में हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है, कवच में हो रहा है, मेट्रो कोचेज में हो रहा है, वंदे भारत कोचेज में हो रहा है, फ्रेट वैगन के करोड़, हर चीज़ में हो रहा है, लेकिन क्या इतने डिलीवर कर सकती है हमारी कंपनी? ये भी एक अलग तरीके का रिस्क है। इसमें ये रिस्क नहीं है कि काम नहीं है, इसमें ये रिस्क है कि आप कर कितना पाएंगे, आप कैपेसिटी आपकी कितनी है। तो आपके पास सही कि 4-5 साल का नज़रिया हो तो इस वैल्यूएशन पर भी आप एंट्री लें, लेकिन कोई तो एंट्री ले रहा है सर, अब कोई तो खरीदता है जो 15% स्टॉक चलता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी, शिपिंग की, शिपयार्ड की, रेलवे की, जिधर आप नज़र डालिए। तो अनुराग जी, आप जरा इंडियन मार्केट देखा करिए रोज़ सुबह उठ के, आपको मज़ा आएगा कि यहाँ कैसे रिटेल वाले मार्केट को दम दे रहे हैं और जेन्युइन है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि करेक्शंस तो होते रहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रैश मुझे नहीं लगता सर। अभी बहुत पैसा आना बाकी, साइड लाइन में बैठा हुआ है, जिनसे बात करूँ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो मैं एंट्री मारूंगा। तो ऐसे जब मुझे दो तो चार लोग मिलते हैं तो हजारों होंगे ना, फिर तो पैसा आएगा। बहरहाल, इस स्टॉक में जिस भी शो में नाम लिए गए स्टॉक से, वो किसी में भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए उनका नाम लिया गया है। आपको खरीदना बेचना है तो आप किसी और एनालिस्ट से ज़रूर राय लीजिएगा जो आपको सलाह दे सके। यहाँ के एनालिस्ट आज सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टॉक्स के नाम लिए गए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये रैली कंटिन्यू करेगी क्योंकि हम लोग पैदाइशी बुलिश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।